नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको स्वर करवाए थे और अपने शुरू कर रहे थे संधि। संधि को लेकर के ये भ्रम रहता है कि ये बहुत कठिन है। मेरा एक शिष्य था घीसु, नाम घीसु था लेकिन मूल नाम उसका घनश्याम था। जैसे मैं संधि करवाने लगा उसने अपना सर पकड़ लिया, बोला गुरुजी संधि अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे को अनार आते हैं? तो उसने बड़ा खुश हो गया, बोले सर अनार तो मैंने बचपन में सीखे थे, मेरे को तो आते हैं। मैंने कहा अगर आपको आते हैं तो आपके लिए जो स्वर संधि है ये बड़ी ही आसान है। और अपने तो उसने कहा कि गुरुजी बताइए कैसे। तो चलो जो मैंने घीसु को बताया था वही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहले हम शुरू करते हैं संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा अपने ये देते हैं कि जब दो या दो से अधिक दो निकटवर्ती वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि अपने कहते हैं मेल को, किसी के अंदर मेल हो जाना, मिलाप हो जाना। और जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। अब ये निकटवर्ती वर्ण कौन से होते हैं? निकटवर्ती वर्ण वो होते हैं जो या तो उत्पत्ति की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से उसमें कहीं ना कहीं एक साम्यता होती है। जब वो आपस में मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। संधि हिंदी के अंदर इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि। अपने बारी बारी से इन तीनों संधियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि को भी आगे कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दीर्घ संधि, दो नंबर पर आती है। गुण संधि, तीन पर आती है। वृद्धि संधि, चार पर आती है। यण संधि और पांच नंबर पर आती है अयादि संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि ये जिस क्रम में रखी गई है वास्तव में इसका सही क्रम भी यही है। कैसे है अपने एक एक करके इन पर अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दीर्घ संधि की। जब अपने स्वर की बात की थी तो उस समय मैंने कहा था कि ए, ई, उ और री ये मूल स्वर माने जाते हैं और इन्हीं का दीर्घ रूप होता है। ए का दीर्घ रूप आ, ई का ई, उ का उ और री का भी एक दीर्घ रूप होता है, ये ह्रस्व री माना जाता है। और दीर्घ री की बात करें तो इसमें यदि एक घुमाव और दे दिया जाए तो ये दीर्घ रूप माना जाता है। हालांकि ये इस दीर्घ री से संबंधित उदाहरण है, वो अपने हिंदी से संबंधित नहीं है क्योंकि ये संस्कृत भाषा का विषय है। इसलिए अपने मूल रूप से ए, ई, उ के ही उदाहरण इसमें दिए जाते हैं और वही अपने पढ़ते हैं। अब जब मैंने घीसु को कहा कि भाई आ, ई और ऊ
ये तीनों ही तीन अगर चीज़ आप सीख लेते हो तो आपकी दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हो जाती है। उसका चेहरा खिल गया, उसने कहा गुरुजी ये तो बड़े आसान है और ये तो ट्रिक काम आ गई। मैंने कहा ये ट्रिक नहीं है, ये इसका ये इतना है, यही रूप है। ए का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप बड़ी ई और ऊ का बड़ा ऊ। ये संस्कृत भाषा का विषय होने के कारण अपने इसको उदाहरण इसमें हिंदी में नहीं मिलते हैं। आइए अपने दीर्घ संधि की के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अन्न प्लस अभाव, यानी अन्न का अभाव होना। यदि इन दोनों के में, अब संधि की परिभाषा ये थी कि निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब निकटवर्ती वर्ण जो धन चिन्ह के इस ओर और इस ओर, अब यहां पर जो ने दिया गया है इसमें ने और ए अदृश्य रूप में इसके अंदर विद्यमान है और दूसरी प्लस के दूसरी साइड में ए हमारे को प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है। अर्थात यहां पर ए और ए का मेल होगा और ए का मेल होने से इसका दीर्घ रूप अपने सामने आता है आ। इसीलिए जब इसको अन्न और अभाव शब्द को एक करके लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा अन्नाभाव। तो इससे ये रूप सिद्ध होता है। तो ये चीजें दीर्घ संधि में आती हैं। और दूसरा एक और उदाहरण अपने देखते हैं। भोजन प्लस आलय, आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि जहां पर भोजन बनाने का जो घर है या भोजन का जो घर है उसको कहते हैं भोजनालय। अब इसको न में अदृश्य रूप में ए विद्यमान है और यदि न से अपने ए बाहर निकालते हैं तो न हल रह जाता है और इसके आगे आ शब्द पड़ा हुआ, आ स्वर पड़ा हुआ है ए और आ। अब जब निकटवर्ती परिभाषा के अनुसार निकटवर्ती वर्णों में विकार उत्पन्न होगा तो ए और आ में विकार उत्पन्न होगा वो इस रूप में सामने आएगा, आ रूप में, आ रूप में सामने आएगा। तब अपना भोजन और आलय शब्द क्या बनेगा, भोजनालय। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। विद्या धन अर्थी, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, अर्थात जो विद्या को चाहने वाला वो विद्यार्थी कहलाता है, आपको मालूम होगा। तो इस विद्या शब्द में द और ये शब्द का ये संयुक्त रूप है और इसमें यह भी अगर हल कर दिया जाए तो आ स्वर बाहर आएगा और आगे ए का इसके साथ में मिलाप होगा, मेल होगा। तो आ और ए में मेल होगा तब इसका विकार हमारे सामने आ रूप में आएगा और जब विद्या और अर्थी को संयुक्त रूप में लिखा जाएगा तो यह शब्द आएगा विद्यार्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। इसी प्रकार गिरी और इंद्र, इस रे में आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी ई की मात्रा है। यदि इसको रे को इससे अलग कर दिया जाए तो ये हमारे इस रूप में सामने आएगा और आगे भी इसका इंद्र रूप में ई प्रकट रूप में अपने सामने दिखाई दे रहा है। तो ई और ई का जो दीर्घ रूप है वो इस रूप में सामने आएगा तब अपने पास में जो शब्द बनेगा वो बनेगा गिरिंद्र। ठीक इसी प्रकार यदि अपने एक शब्द और देखें, रजनीश, अब तक तो हमने दोनों शब्दों को अलग अलग करके अपने पास में अलग अलग थे और इनको संयुक्त करके रखा था। अब यदि रजनीश के अंदर अपने को संधि की पहचान करने के लिए कहा जाए तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी
वो कठिनाई नहीं है। अब इन शब्दों को अलग करके रख सकते हैं, र ए प्लस ज प्लस ए न प्लस ई और श प्लस ए। संधि के अनुसार अब कहीं पर भी अपने को जो विकार उत्पन्न होगा या जो दीर्घ रूप दिखाई देगा तब तुरंत अपनी नज़र वहां पर चली जाएगी, क्योंकि ए और ए में कोई भी संधि कोई विकार नहीं है। जबकि यहां पर ई में अपने को पता है कि जो दीर्घ रूप है ये मूल स्वर नहीं है, ये दीर्घ रूप में है। तो ये दीर्घ रूप में किस किस को मिलाने पर आया, ये आता है ई और ई को मिलाने पर आता है। तो इस प्रकार अपने इसमें संधि की पहचान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ सामने एक समस्या और आती है कि यहां हमने रजनी तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अपने को पता है कि रजनी शब्द है अशुद्ध है, इसलिए यहां पर रजनी शब्द आएगा, ई बड़ी आएगी। और अपने को पता है कि यहां पर ई शब्द में ई हमेशा बड़ा होता है, तो क्योंकि ईस में छोटा नहीं होता है, तो इसलिए ये ई इस रूप में सामने आएगा। तो रजनी प्लस ई शब्द से अपने इसको शब्द को देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुद्धि और अशुद्धि का भी आपका एक वो निवारण होता है। दूसरा उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। एक शब्द आता है भानु प्लस उदय, भान न को हल कर दिया जाए तो इसका शब्द आएगा उ प्लस उ, और उ का दीर्घ रूप इस रूप में सामने आता है, तब भानु और उदय शब्द का शब्द बनेगा भानुदय। तो इस प्रकार से क्या है कि अपनी ये संधि जो दीर्घ संधि है आ ई और उ के द्वारा अपने इसमें शब्दों को पहचान सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं लिखता हूं, मूल स्वर लिखता हूं ए ई और उ, और इधर भी प्लस के दूसरे शब्द दूसरी तरफ भी अपने ए ई और उ लिखते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि के अनुसार यदि ए ई ओ उ के आगे उसी का समान वर्ण पड़ा हो तो वो क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। इसलिए यदि आप इस रूप में भी इसको समझ सकते हैं कि ए और ए के समान वर्ण ए और ए के मेल से आ, ई के समान ई होने से बड़े ई, और उ के समान उ होने से बड़ा उ। तो यह इस प्रकार से अपनी दीर्घ संधि है वो पूरी होती है, और जैसा कि आपने कुछ उदाहरण इसमें देखे हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं गुण संधि की। स्वर का जब वर्गीकरण किया था तो उसमें वर्गीकरण करते समय मैंने आपको बताया था कि जो ए और ओ ये दो गुण स्वर कहे गए हैं, इसमें ए की उत्पत्ति और ओ की उत्पत्ति, ए की उत्पत्ति और ओ की उत्पत्ति मैंने आपको बताया था कि ए और मूल स्वर ई के मिलने से क्या होता है, ए की उत्पत्ति होती है, ए और मूल स्वर उ के मिलने से किसकी उत्पत्ति होती है, ओ की उत्पत्ति है। यही इस गुण संधि की भी परिभाषा मानी जाती है। परिभाषा यह है कि यदि ए के बाद में ई आए तो ए हो जाता है,
यदि ए के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है। और यहां अपने एक बात करते हैं री की, यदि ए के आगे री आए तो अर हो जाता है। यह है क्योंकि हमने ए और ओ की उत्पत्ति जो हुई थी वो स्वर के समय हमने की थी, वही स्वर इस स्वर संधि में गुण संधि की परिभाषा भी मानी जाती है। परिभाषा भी इसी से ही बनी है कि यदि ए के बाद में ई आए तो ए होगा, ए के बाद में ओ आए तो ओ होगा, और ए के बाद में री आए तो अर होगा। कुछ उदाहरण अपने देखते हैं कैसे। देव परस इंद्र, अब इस देव में वैसे यदि स्वर को ए को बाहर निकालते हैं और आगे इंद्र शब्द पड़ा हुआ है तो यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है ए और ई। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर ए और ई हो तो वहां क्या हो जाता है, ए हो जाता है। नई बात कुछ भी नहीं है, जहां से स्वर बने हैं उसी को इसमें परिभाषा के रूप में व्यक्त किया गया है, तब आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तब यह शब्द बनेगा देवेंद्र। एक उदाहरण और देखते हैं, गण प्लस ईश। पता था कि ईश शब्द में ई है वो दीर्घ होता है, तो फिर इसमें अण से यदि अपने ए बाहर निकालते हैं और आगे ई शब्द पड़ा हुआ है तो ए और ई का भी दीर्घ रूप क्या होगा, ए होगा। तो शब्द क्या बनेगा, गणेश। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, यथा प्लस इष्ट। तो इसमें आ और ई है तो ई रूप आगे आते ही इसका गुण रूप है स्वर का वो सामने आएगा, तो यथा और इष्ट के योग से बनेगा यथेष्ट। यथेष्ट शब्द है वो सिद्ध होता है। फिर एक और उदाहरण इसमें है, रमा प्लस ईश। मैं को हल करते हैं तो आ बाहर आएगा और आगे ईश शब्द पड़ा हुआ है, अब आ और ई के अंदर जो मेल होगा और इनके मेल होने से इसका जो दीर्घ रूप है वो ए अपने सामने आएगा, तब ये शब्द बनेगा रमेश। इसके अलावा कुछ उदाहरण और देखते हैं, जल प्लस उर्मी। ल में ए है और आगे ऊ शब्द पड़ा हुआ है, ए और ऊ के मेल से मैंने आपको बताया था कि ओ शब्द की उत्पत्ति होती है, तो शब्द बनेगा जलोर्मी। इसके अलावा और उदाहरण इसके हैं, जैसे महाप्लस उच्च। है में आ है प्लस ऊ के साथ में इसका योग होगा अथवा मेल होगा, आ और ऊ के मेल होने से ओ रूप में हमारे सामने आएगा तो शब्द बनेगा महोत्सव। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक दो री के उदाहरण देखते हैं अपने, कैसे कणव प्लस ऋषि। व में ए है, ए के आगे री है, नियम के अनुसार यदि ए के बाद में यदि मूल स्वर री हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा। अब विकार क्या होगा देखते हैं, कर्म ऋषि ये शब्द इसमें आएगा,
क्योंकि ए और री के मिलने से बनेगा अर शब्द। अब ये जो व है, ए के होने से व पुनः अपने उसी रूप में आ जाएगा, और रे चूंकि हल है तो ये अपने आगे वाले शब्द पर चला जाएगा और ये शब्द सिद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, महाप्लस ऋषि। है में आ है, आगे आगे री है, तो शब्द बनना चाहिए था अर। अर शब्द होने से है में ए के, क्योंकि अब यहां पर जो है वो हल है अर्थात बिना स्वर का है, अब इसमें यदि ए वापस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा है, और रे अपने इस पर चला जाएगा तो शब्द बनेगा महर्षि। तो इस प्रकार अपनी जो गुण संधि है वो पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में तीसरी जो संधि है गुण संधि के बाद, वो है वृद्धि संधि। वैसे हैं आपने किताबों में पुस्तकों में बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन अपने उस वापस उसी मूल रूप में जाते हैं कि हमने जो वृद्धि स्वर की, स्वर करवाते वक्त वृद्धि स्वर की मैंने बात की थी, जो वृद्धि स्वर है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ए और औ इनको वृद्धि स्वर की संज्ञा दी गई है। अब जो भी विकार उत्पन्न होगा, और इनकी उत्पत्ति भी मैंने आपको बताई थी, ए और एक योग से एक उत्पत्ति होती है, और ए और ओ के योग से औ की उत्पत्ति होती है। अपने वृद्धि स्वर के उदाहरण देखते हैं, एक और एक। कै में कै को यदि हम हल करते हैं तो ए स्वर बाहर आएगा, और ए के आगे ए शब्द पड़ा हुआ है। देखिए, यानी जब हमने जो स्वर किए थे, बात वापस घूमकर वहीं पर आती है, तो ए और ए, ए और ए इन दोनों के योग से जो उत्पन्न होगा वो ए शब्द की उत्पत्ति होगी, और जो शब्द सिद्ध होगा एक और एक वो बनेगा एक एक। कहीं कोई सूत्र नहीं है, कहीं कोई ट्रिक नहीं है, अपने स्वर की जो उत्पत्ति की जो बात कर रहे थे उसी को लेकर के आगे इस संधि के रूप में परिभाषाएं और वो दी गई हैं। अन्य और उदाहरण आपको के सामने मैं रखता हूं कि जैसे परम प्लस ईश्वर, तो फिर उसी प्रकार मैं में से यदि स्वर निकाला जाए तो ए बाहर आएगा, ए के आगे ए शब्द पड़ा हुआ है, ए शब्द पड़ा हुआ है, और इनकी वृद्धि रूप भी यही होता है, तब ये शब्द क्या शब्द सिद्ध होगा, परमेश्वरी। फिर उदाहरण देखते हैं, सदा प्लस एव, तो इसमें भी देखिए दे में यदि स्वर बाहर निकाला जाए आ बाहर आएगा, आ के आगे ए शब्द पड़ा हुआ है, तो शब्द क्या शब्द बने, शब्द बनेगा इसका सदैव। आ और ए इसका जो वृद्धि रूप क्या होता है, ऐ शब्द होता है, तो अपना शब्द सिद्ध होगा सदैव। इसके अलावा उदाहरण देखते हैं, परम ओज, तो उसी प्रकार मैं से ए बाहर निकालेंगे, ए ए और ओ के योग से बनेगा औ,
तो बनेगा परमौज। कहीं कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ मूल जो स्वर लेकर है उसी को अपने चल रहे हैं। एक अन्य उदाहरण अपने देखते हैं, महापलस ओजस्वी। है से आ बाहर आया, ए के आगे ओ शब्द पड़ा हुआ है और दोनों को मिलने से बनेगा औ और शब्द बनेगा महोजस्वी। एक शब्द आता है वन प्लस ओ शब्द, तो यह बनेगा वनौषध। इसी प्रकार महापलस औषध शब्द आता है। है से ए बाहर आएगा, आ और औ के योग से शब्द बनेगा औ, तो यह होगा महौषध। तो इस प्रकार आपने देखा कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि ये अपने उसी स्वर को लेकर के जिसके अपने बात की थी उसी को स्वर को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो लेकर के आऊँगा मैं आपको, तब आपको स्वर संधि के बाकी जो बचे हुए दो रूप है यण संधि और अयादि संधि वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।